नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया भर के जितने भी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना है आपको। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग की डिमांड पर बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो आई है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसे ही वीडियो जिससे आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, जो सभी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया है कह सकते हैं एक प्रकार से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, तो सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन यही है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, जब 1939 से लेकर के 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक घोषणा हुई कि चलिए दुनिया भर के कुछ देश मिल करके एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे दुनिया भर में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, ठीक है, जिससे दोबारा से ऐसे युद्ध जैसी स्थिति ना हो। अगर दुनिया भर का कोई भी कोई विवाद होता है कहीं पर भी, तो वो विवाद यहाँ पर सुलझा लिया जाए वोटिंग के माध्यम से, क्योंकि इसमें मेंबर कंट्रीज भी बहुत हैं, ठीक है, 193 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं अब। तो दुनिया भर के जो भी विवाद हो, जिन जिन देशों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनको निपटने के लिए यहाँ पर आकर के डिस्कस करके मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाए, विश्व युद्ध जैसी स्थिति फिर से ना आए, क्योंकि ऑलरेडी 2 विश्व युद्ध हो चुके थे उस टाइम पर। तो इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे चल करके जिस जिस विभाग में जो जो जरूरत पड़ी, उसी उसी विभाग में इसी संघ के अंतर्गत उसका उसका एक अलग अलग संगठन बना दिया गया। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं बताऊंगा, जैसे स्वास्थ्य विभाग के लिए WHO की स्थापना हो गई, ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना, फिर यूनेस्को की, यूनिसेफ की, सब ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, तो सब विश्व व्यापार संगठन की, ट्रेड की, पर्यटन संगठन की, सब यहीं से निकले हुए हैं। तो सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन यही है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटरेस जी पुर्तगाल के, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये इसके अभी वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हैं। क्लियर, इतना। 193 मेंबर कंट्रीज हैं और दक्षिण सूडान दोस्तों इसमें ऐड होने वाला सबसे लास्ट देश है। क्लियर, चलिए अब बात करेंगे अगले ऑर्गेनाइजेशन की। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिए गए हैं, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, सभी के बारे में आपको जानकारियाँ दी जाएंगी। चलिए अगला है विश्व बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर में जब भी दोस्तों किसी भी देश को कोई पैसे की ज़रूरत होती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन की ज़रूरत होती है, तब वर्ल्ड बैंक उसकी हेल्प करता है। हो सकता है क्राइसिस आई हो सकता है वहाँ की इकोनॉमी डूब गई हो, या हो सकता है कोई डेवलपमेंट के लिए कोई ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक देता है लोन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है, लंबे समय के लिए लोन देता है। अगर छोटे समय के लिए, कम वर्षों के लिए लोन लेना होता है, तो IMF से लिया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जब लंबे समय के लिए लोन लेना हो, तो वर्ल्ड बैंक देगा लोन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है Washington DC में। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, जितने भी धन से संबंधित और पावर से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो अमेरिका बड़ा चालाक है, वो उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, जो भी धन से संबंधित है। अभी आपको वर्ल्ड बैंक मिला है, आगे चल करके IMF मिलेगा, IMF का भी हेडक्वार्टर Washington DC में भी। अभी इससे पहले हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देखा, देखिए ये भी सभी ऑर्गेनाइजेशन का बाप कह लीजिए एक प्रकार से है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया है यूनियन, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। अभी यूनिसेफ आप पढ़ेंगे, यूनिसेफ भी आप पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंडिंग, तो इमरजेंसी फंडिंग, वहाँ भी फंड से रिलेटेड बात आ गई, वहाँ भी धन इकट्ठा करने वाली बात आ गई, उसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है, ठीक है। तो यानी जितने भी पैसे से, धन से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने पावर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर अमेरिका अपने पास रख लिया, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में फिलहाल बात करते हैं, इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपासी, यूनाइटेड नेशंस के ये भी, यूनाइटेड स्टेट्स के ये भी हैं, ठीक है, अमेरिका के। 189 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक में। मेंबर कंट्रीज का मतलब होता है सदस्य देश, कितने देशों ने इसकी सदस्यता हासिल की है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है यूनेस्को। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी।
1945 में 16 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। दुनिया भर में जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको अगर विश्व धरोहर घोषित करना होता है तो वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, या फिर जो भी कल्चरल जो जगहें होती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर साइंटिफिक कल्चरल या एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनको इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत देखा जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ओके, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 193। अच्छा, अभी आपको याद होगा यूनेस्को दोस्तों एक आया था चर्चे में भी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 6 ऐसे हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को को दिए हुए हैं और भारत में अब ऐसे 48 हेरिटेज साइट हो चुके हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। तो 48 ऐसी सूचियाँ हैं भारत में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र का बाल कोष। ठीक है, तो ये बच्चों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आती है उनको किसी फंड की जरूरत होती है, ऐसे फंड जो अनाथालय में यूज किए जाते हैं, ऐसे फंड जो बच्चों में होने वाली बीमारियों के लिए यूज किए जाते हैं या फिर बच्चों के विकास के लिए यूज किए जाते हैं, तो ऐसी फंडिंग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम आता है। ये भी देखिए यूएन जुड़ा हुआ है यानी यूनाइटेड नेशन का ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है इसका भी हेडक्वार्टर। इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा एच पोरे। कौन है? हेनरिटा एच पोरे। वर्तमान में इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 191 सदस्य देश है इसके यूनिसेफ से जो जुड़े हुए हैं। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये जो भी जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ या यूनाइटेड नेशंस हुआ या यूनिसेफ हुआ, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली बात है बहुत कर्मचारी काम कर रहे होंगे, या जब ये ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न देशों को जब पैसा देते हैं तो इनके पास आता कहाँ से है पैसा? तो ध्यान रखिएगा इनके पास जो मनी आती है वो फंडिंग के माध्यम से आती है, लोग उसमें फंड करते हैं, जो भी देश होते हैं हर साल या हर दूसरे साल किसी किसी संगठन में सब लोग फंड करते हैं। ठीक है, भारत भी देता है अमेरिका भी देता है। अभी तक का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका की तरफ से भी आता है, ये भी एक फैक्ट है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा देता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें पैसा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका अपने आप को अलग कर लिया, जैसे WHO से अलग होने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब थे, हालांकि जो बाइडेन आए तो वो दोबारा से जुड़ने की घोषणा कर चुके हैं WHO में। ठीक है, अगला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए ये व्यापार से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है। ठीक है, व्यापार से संबंधित दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है, व्यापार संबंधित मुद्दों को ये देखता है। 1 जनवरी 1995 में ये स्थापित हुआ, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और नगोजी ओकोंजो लिवाला ये इसके हेड है। ठीक है, 164 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अच्छा, WTO से दो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको याद रखना है। एक ये है WTO, एक अभी आगे आएगा UNWTO, एक्चुअली में वो भी WTO ही है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो विश्व पर्यटन संगठन है, ये विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में WTO ही होता है, इस वजह से उसको अलग करने के लिए UNWTO कह दिया जाता है और इसको सिर्फ WTO कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे सिर्फ WTO लिख देगा है क्वेश्चन में और पूछ लेगा कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर पूछ लेगा WTO की स्थापना कब हुई है। तो देखिए, जब केवल WTO लिखा रहे तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, अगर UNWTO लिखा रहे तब आप वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जिनेवा में फिलहाल इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष के बारे में आप लोग जान ही लिए। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए आ गया IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अगर किसी देश को अगर छोटे टाइम के लिए अगर लोन देना होता है, ठीक है, कम समय के लिए अगर लोन देना होता है तो IMF देता है। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, Washington DC अमेरिका में इसका भी हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दोस्तों इसकी अध्यक्ष हैं और मेंबर हैं, कंट्रीज हैं इसकी 189, कितना 189 मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। ओके, अगला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ILO दोस्तों ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर में जो मजदूर होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको एक सम्मानित इनकम दिलाने के लिए ये संगठन काम करता है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अच्छा, इसके लिए 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है।
तो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये भी याद रखिएगा। गे राइडर दी इसके हेड है, 189 यहाँ की मेंबर कंट्रीज हैं ILO की। अगला देखते हैं, अगला संगठन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। नाटो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसमें 30 मेंबर कंट्रीज हैं, यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, इसको 30 कर लीजिए। 30 सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में नाटो के। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। क्लियर? तो 30 सदस्य देश हैं इसके, रसिया इसमें नहीं है, ठीक है। इसी वजह से रसिया को जब घेरना होता है तो नाटो के सदस्य देश एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई संघ, राष्ट्र संघ या एशियान जिसे कहते हैं, आसियान। आसियान के सदस्य देश दोस्तों 10 सदस्य देश हैं आसियान के। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, भारत इसमें नहीं है, ठीक है। 10 सदस्य देश हैं लेकिन इसमें भारत नहीं है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में, और लिम जॉक हुई। कौन? लिम जॉक हुई, ये हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष, आसियान के सदस्य देश। ओके, अगला देखते हैं, ओपेक। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। जितने भी देश जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है वो पेट्रोलियम को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके सदस्य देश हैं वो, ठीक है। 13 स्टेट हैं इसमें, ठीक है, 13 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, 13 देश हैं इसमें। वियना में ऑस्ट्रिया में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। 1960 में यह स्थापित हुआ, मोहम्मद बारकिंडो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओपेक के, ठीक है। ओपेक भी इम्पोर्टेंट है, ओपेक का ही काम होता है दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ाने घटाने का, समझ लीजिए एक प्रकार से। क्योंकि ये लोग जब गुस्सा जाते हैं, ये लोग जब कहते हैं कि अब हम तेल का प्रोडक्शन कम कर देंगे या फिर तेल का एक्सपोर्टेशन कम कर देंगे, तो दुनिया में मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और तेल के दाम बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो एक कारण ये भी है, लेकिन अभी भारत में जो तेल का दाम बढ़ रहा है उसको यहाँ से मत कंपेयर कीजिएगा। जो भारत में अभी बढ़ रहा है उसका दूसरा कारण है, ठीक है। उसमें कई कारण है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं कभी बना करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यानी EU। EU में दोस्तों 27 सदस्य देश हैं, अब वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं। ब्रिटेन इससे अलग हो गया है, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन अभी ब्रेग्जिट विवाद आपने सुना होगा, ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट का मतलब यही था, ब्रिटेन एग्जिट। तो ब्रिटेन कहाँ से एग्जिट हुआ था? यूरोपियन यूनियन से ही एग्जिट हुआ था, और यही ब्रेग्जिट विवाद को लेकर ही तो यहाँ के जो बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, यही वहाँ का चुनाव जीते, ठीक है। तो ब्रेग्जिट हो चुका है, यानी ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका भी हेडक्वार्टर है, और उर्सुला वॉन डर लेयन ये हैं इसकी वर्तमान में अध्यक्ष, हाल फिलहाल में अभी नियुक्ति हुई है इनकी, उर्सुला वॉन डर लेयन की। क्लियर? अगला देखते हैं, अगला है एपेक। देखिए ओपेक हम लोगों ने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अब ये एपेक की बात हो रही है। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए जो एशिया प्रशांत जो देश हैं, एशिया प्रशांत के क्षेत्र के जो देश हैं, ऐसे महासागरीय आर्थिक सहयोग पर एक संगठन बनाया गया है ऐसे देशों के बीच में, जहां पर इकोनॉमिकली एक 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 ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके, जो इन देशों के बीच में कोई व्यापार वगैरह हो, ठीक है, जो नेवल के माध्यम से होता है, तो उनके बीच में समझौता हुआ है। 1989 में ये समझौता हुआ, 1989 में इसकी फॉर्मेशन हुई के लिए, ठीक है। सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है, और जेसिंडा अर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड की ये प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, ये इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं, ठीक है। 21 मेंबर कंट्रीज हैं वर्तमान में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। अगला है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी जब बात आती है तो आपको किसकी याद आती है? पाकिस्तान की याद आती होगी। पिछले 6-7 बार से ये बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका गठन इसलिए किया गया कि दुनिया भर में देखा जा सके कि कौन सा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, या फिर आतंकवाद को रोकने के लिए अपने देश में कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे देशों की एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। उसमें ब्लैक लिस्ट होते हैं, कुछ ग्रे लिस्ट होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ देश जो होते हैं वो ग्रे लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, कुछ देश होते हैं जो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं।
जो देश ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया यानी कि वो आतंकवाद को बढ़ावा भी देता है, आतंकवाद को पनाह भी देता है, ठीक है, और आतंकवाद के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो इस ऐसे देशों पर क्या होता है कि जब FATF की ब्लैक लिस्ट उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है तो वहाँ पर कोई विदेशी फंडिंग नहीं हो पाती है, कोई विदेशों से इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो उसकी इकोनॉमी डूबने लगती है और वो देश अपने आप ही मरने लगता है गरीबी से, ठीक है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है, ग्रे लिस्ट की कंडीशन में ये होता है कि देशों को हिदायत दी जाती है, बार बार चेतावनी दी जाती है कि आप अपने देश में आतंकवाद को रोको, और लेकिन देश का कहना ये होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान कहता है, बार बार ये कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। जब भी FATF की मीटिंग होने वाली रहती है उसकी एक महीने पहले या 15 दिन पहले वो हाफिज़ सईद को जेल में बंद कर देगा या सज़ा सुनवा देगा, फिर जैसे मीटिंग ओवर हुई फिर से दोबारा वो हुआ कि ग्रे लिस्ट में बना हुआ है तो फिर उसको छोड़ देता है। तो ऐसा वहाँ पर चल रहा है, पिछले 6 से 7 बार से ग्रे लिस्ट में वो बना ही हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान की बात हुई, यहाँ पर FATF के बारे में बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस में फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, मार्कस प्लेयर इसके अध्यक्ष हैं, इसमें 39 सदस्य देश हैं इसमें वर्तमान में FATF में, ओके। अगला, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो UNHRC की स्थापना हुई थी 2006 में 15 मार्च के दिन जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर है। नजहत समीम ये हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष, इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 47। दुनिया भर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा कोई संगठन है जो जिसके प्रति मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अपने मानव अधिकार को लेकर के इसमें अर्जी दाखिल कर सकता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के मानव के अधिकार को, जो ह्यूमन राइट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पा रहा है तो वो UNHRC जा सकता है, ठीक है, अगर उसके देश में उसे न्याय नहीं मिलता है तो। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है 10 जनवरी को, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है। अगला, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन का ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आए तो वो दूसरा हो जाता है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन में मैड्रिड में। 1 नवंबर 1975 को ये स्थापित हुआ, हालांकि ये उससे पहले स्थापित हुआ था, WTO तो 1995 में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं ज्यूरब पोलोली कासविली, ठीक है। इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 158, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहा जाता है, इंटरपोल का ये फुल फॉर्म होता है, जबकि इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, क्लियर। इसकी स्थापना हुई थी 1923 को, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, किम जोंग यंग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, मेंबर कंट्रीज हैं 194, इंटरपोल, ठीक है, दुनिया की पुलिस इसे कहते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोस्तों 1945 में स्थापित हुआ, द हेग में नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और जॉन डोंगयू ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सार्क संगठन। सार्क संगठन दोस्तों इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें दोस्तों 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये सभी मेंबर कंट्रीज़ भारत और भारत के आसपास के हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 सदस्य देश हैं। इस वजह से यहाँ पर सदस्य देशों का नाम लिख दिया गया है, इसको याद रखिएगा। इसेला रुवान वीरापून ये दोस्तों इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सार्क का हेडक्वार्टर दोस्तों काठमांडू नेपाल में है, स्थापना इसकी ढाका में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। सार्क को दोस्तों दक्षेस के नाम से जाना जाता है, दक्षेस, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, इनसे रिलेटेड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितने व्यू होने चाहिए उतने लाइक होने चाहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर नहीं पसंद आई है तो आप लोग डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक और डिसलाइक में से क्लिक जरूर कीजिए, जिससे दोनों को काउंट करने पर एटलीस्ट ये तो पता चले कि जो लोग वीडियो देखते हो वो लोग रिस्पॉन्स करते हो। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो।
तो फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। हिंदी का कोर्स आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स को। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो कोर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस वीडियो कोर्स में आपको वीडियोज़ के साथ साथ मॉक टेस्ट और डिटेल नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, और कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी हिंदी की। तो अगर आपने अभी तक नहीं परचेज़ किया है तो जाइए इसे परचेज़ कीजिए MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। MZT एजुकेशन ऐप पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। राज्य व्यवस्था का भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा आपको ये वीडियो कोर्स। ये भी वीडियो कोर्स है, इसके साथ ही SSC GD कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो कोर्सेज वगैरह को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।